नमस्कार दोस्तों, मैं बीएल बिश्नोई आप सभी का यात्रा गुरुजी चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। और आप मुझे देख रहे हो अरावली पर्वतमाला के जंगलों से, जहां पर दोस्तों ये पूरा गांव आदिवासी है। और ये आदिवासी किस प्रकार से इन जंगलों के अंदर रहते हैं, आप देखिए, दूर दूर तक छोटे छोटे घर नजर आएंगे। और ये अरावली पर्वतमाला की जो वादियां हैं, इसके अंदर ये किस प्रकार से अपना जीवन व्यतीत करते हैं। दूर दूर तक तालाब पर मुझे महिलाएं नजर आ रही है, और आसपास कैसे यहाँ पर जीवन बीतता है इनका, हम यहाँ पर इनका आज जीवन एक्सप्लोर करने आए हैं दोस्तों। और इस वीडियो के अंदर आपको बेहद ही मजा आने वाला है कि आदिवासी किस प्रकार से जंगलों के अंदर रहते हैं, कैसे सर्वाइव करते हैं, यहाँ पर क्या क्या सरकार की योजनाएं हैं, क्या है, सब कुछ यहाँ पे मालूम करेंगे, शिक्षा की क्या व्यवस्था है वगैरह। तो आइए हम विजिट करते हैं पूरा गाँव, और इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आपका नाम? नाम प्रकाश। प्रकाश जी, तो ये टोटल भील आदिवासियों का गांव है? हाँ, भील आदिवासियों का गांव। टोटल भीलों के अलावा कोई नहीं है यहाँ पे? कोई भील के अलावा नहीं है। टोटल भील ही है ना? हाँ, सब भील। अच्छा अच्छा अच्छा, तो यहाँ पे सभी के ऐसे कच्चे घर बने हुए? टोटल कच्चे ही है ना? तो यहाँ पे आपके पानी की व्यवस्था कहाँ से होती है, पानी पीने का कहाँ से लाते हो? नदी तो कम है हमसे बिल्कुल पानी का नहीं, तो नदी तो ये जैसे अभी मैं देख पा रहा हूँ कि सूखी हुई है, खत्म हो गया। हाँ, व्यवस्था काम है। बाकी हैंडपंप वगैरह लगे हुआ? हाँ, थोड़ा बहुत है, एक लग रहा है। अच्छा, एक हैंडपंप ही है? हाँ, एक भी लग रहा है। अच्छा, इसका मोला में? अच्छा, मोला वाला पानी, एक हैंडपंप से पूरे पूरे गांव के पानी पीते हो आप? खराब हो जाता पता, ठीक कराना पड़ता। अच्छा, और जब बरसात के दिन होते हैं तो ये नदी जो है ये इसमें पानी खूब बहता है? हाँ, खूब बहता है। अच्छा, इसमें से पीते हो फिर? पीता है ना, बरसात का पानी जो होता है। तो अब तो ये गर्मियों में तो सूख गई है ना, अभी तो ये गर्मी पड़ रही है मई जून की। अंकल जी, राम राम। क्या हाल चाल है? एकदम बढ़िया। अच्छा अच्छा अच्छा, तो पानी की ये व्यवस्था है आपके गांव में? एक ही पूरे गांव का, एक ही हैंडपंप है? एक गांव में बिल्कुल नहीं, इस मकान के एरिया में पूरा एक ही। अच्छा, बस्ती में? हाँ, ये कभी खराब हो जाता है। अच्छा दोस्तों, इस फिलहाल इस कठिन भरे रास्ते से हमें ऊपर जाना है, ये पहाड़ी से ऊपर कुछ घर बने हुए हैं, तो यहाँ पे हम रास्ता बना हुआ है। और ये अंकल जी हमारे साथ में, इधर से ऊपर वापस है ना? अच्छा, तो दोस्तों ये रास्ता है भाई पथरीला, और ऊपर पहाड़ी के ऊपर घर बने हुए हैं। दोस्तों काफ़ी कठिन रास्ते हैं यहाँ पर, बिल्कुल नीचे झुक झुक के चलना पड़ता है, और ये ऊपर हमें उस पहाड़ी पे ऊपर जाना है, तो मेरे पाँव फिसल ना जाए। अंकल जी आप पीछे हो, अगर मैं पीछे गिर गया तो? ये देखिए दोस्तों, वहाँ नीचे से हम लोग आए और ये अंकल जी आ रहे हैं। ये सिस्टम है भैया जंगलों का। अंकल जी आराम से आना, पग पाँव ना फिसल जाए, ये सिस्टम भाई। ओहो, कंटा लग गया। ये फाइनली हम ऊपर आए हैं दोस्तों, और ये अरावली पर्वतमाला की आपको वादियाँ यहाँ नजर आ रही होगी पीछे, देखो। और ये कुछ ऊपर घर बने हुए हैं, कुछ उधर भी बने हुए हैं, तो आइए बातचीत करते हैं। तो यहाँ पे आपके इनकम का क्या सोर्स है, आप जैसे कमाई कैसे क्या करते हो? कमाई तो मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हो? अच्छा, खेत वेत तो नहीं है? खेत वेत है? खेत वेत थोड़ा थोड़ा है। थोड़ा थोड़ा है आप? अच्छा, उसमें थोड़ा बहुत दान होता होगा ना? अच्छा, तो ये कौन सा गांव है? छोटी उंदरी। हाँ, छोटी उंदरी है उदयपुर जिले के अंदर। उदयपुर से कितना किलोमीटर है? शायद 10-15 किलोमीटर अंदर है ना। गुड़िया आप पढ़ते हो स्कूल में? स्कूल आपने छोड़ दी, मतलब आप कभी तो गए होंगे ना स्कूल? आपका नाम क्या है? इधर देखो, अरे शर्मो मत, ऐसे बात कर रहा हूँ। आपका क्या नाम है? आसू। अच्छा अच्छा, तो इनकी उम्र कितनी हो गई? अच्छा, तो इन सब के आधार कार्ड वगैरह सब बने हुए? अच्छा, लेकिन इस गांव में पढ़ते कम है, बच्चे स्कूल नहीं जाते? मजबूरी करते। तो गवर्नमेंट स्कूल में तो कुछ नहीं खर्चा नहीं लगता, गवर्नमेंट स्कूल में तो भेजो इनको कम से कम।
मजदूरी नहीं करेंगे तो क्या? लेकिन ये छोटे छोटे बच्चे तो अब क्या मजदूरी करेंगे, इनको तो भेजो कम से कम। तो वो जैसे बड़ी गुड़िया है वो ऐसे स्कूल भेजो इनको। मम्मी पापा भेजने सारे। अच्छा मम्मी पापा भेजने नहीं चाहते? अच्छा तो यहाँ से आगे चलते हैं, कुछ घर बने हुए हैं आगे, उनके घर की व्यवस्था देखते हैं कैसे रहते हैं। ये भील आदिवासियों का गांव है दोस्तों, छोटी उंदरी, जो उदयपुर से लगभग 10-15 किलोमीटर पड़ता है। तो ये सिस्टम है। और यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पे इनके कच्चे कच्चे घर बने हुए हैं और ये इस प्रकार से रहते हैं कच्चे घरों में। ये ऊपर जो लगा है माता जी, इसको क्या कहते हो आप लोग? ये ऊपर जो लगे हुए हैं इनको क्या कहते हो? केलू। अच्छा केलू कहते हो। तो ये दोस्तों इनके इस प्रकार से घर बने हुए हैं और आसपास ये टोटल जंगल है ना, टोटल पूरा जंगल ही है। तो ऐसे जंगली जानवर वगैरह का खतरा नहीं होता? होते हैं, आते हैं सांप वगैरह, आते हैं क्या? सांप भी आ जाते हैं, शेर भी आते हैं। शेर आ जाता है? अच्छा आज के जमाने में इधर है शेर? जंगल में है शेर। अच्छा अच्छा अच्छा, पाका मकान होना चाहिए। तो इन बनाने के लिए आपने क्या यूज किया? मिट्टी? मिट्टी और पत्थर, मिट्टी मिट्टी और गारा यहाँ पे यूज किया आपने। आपका शुभ नाम क्या है? नाम आपका? शिवाजी। नाम शिवाजी। अच्छा आदिवासी भी लो? ये इसमें तो पूरे यही रहते हैं, आप आदिवासी रहते हो ना? अच्छा अच्छा, तो बरसात के समय में ये जो है ऊपर से पानी नहीं टपकता क्या? अच्छा अंदर आता पानी, फिर ऊपर क्या डालते हो? पॉलीथीन और लाना पड़ेगा, बस ये खराब है। अच्छा दोस्तों यहाँ कुछ घर बने हुए हैं, हम यहाँ पे जल के इन गांव वालों से और बातचीत करते हैं। और बेहद ही सुंदर नजर आपको देखने को मिलेगा दोस्तों इन वादियों के अंदर। ये इस प्रकार से बहुत सुंदर गांव है आदिवासियों का। और यहाँ पर ये अंदर घुसते ही बकरी रखने की व्यवस्था है। राम राम सा। राम राम। क्या नाम आपका? मारो भक्ता जी। भक्ता जी। अच्छा अच्छा अच्छा, और ये इस प्रकार से कच्चे घर बने हुए हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं। और तो ये सब के ऐसे कच्चे ही बने हुए हैं? तो आपके वो प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं आई क्या? पैसे घर वाले आया मेरे को, अभी आएगा तो आएगा अभी। अच्छा नाम चल रहा है लिस्ट में, यूं है क्या? अच्छा दोस्तों यहाँ पर आप इस घर का नजारा आप देख सकते हो, बेहद सुंदर घर है, छोटा सा ट्रेडिशनल बना हुआ है दोस्तों। पुराने जमाने में जो पारंपरिक घर होते हैं वैसे पुराने जमाने जैसे घर बने हुए हैं। और यहाँ पे ये इनके पानी की व्यवस्था है। और इसमें क्या होता है, इसमें मेहमान वगैरह बैठते हैं क्या? ये मेहमानों के लिए, बैठक के लिए है ना? ये यहाँ पे दोस्तों इनके बैठक रूम बनाया हुआ है और अंदर भी इसके एक और रूम है। और ये पूरा मिट्टी से बना हुआ है ना, गोबर यूज नहीं किया? गोबर नहीं है? नहीं गोबर नहीं है, सिर्फ मिट्टी है। अच्छा और यहाँ पे ये पानी की व्यवस्था है। और ये एक ही पंखा है क्या आपके घर में? एक ही पंखा है। अच्छा और इधर ये बाबू सो रहा है, छोटा बाबू सो रहा है और इधर पंखा साइड में चल रहा है, ऊपर पंखा नहीं चल रहा है। और यहाँ अंदर ही ये बकरी रखने की व्यवस्था कर दी घर के अंदर ही? तो ये अंदर क्यों रखी, बाहर रख देते इसको? अच्छा कुत्ते आते हैं, कुत्ते आते हैं रात को। तो ये कुत्ते आते हैं तो ये भी अंदर ही रहेगी फिर वापस? नहीं ये अंदर आएगा रात को। अच्छा ये बाहर जो खड़ी है बकरी ये सभी अंदर आएगी वापस? ये सब अंदर आएगा। अच्छा और ये दोस्तों आप देखिए आसपास का टोटल ये नजारा है, बेहद खूबसूरत नजारा है यहाँ पे। तो माता जी यहाँ पे जैसे आसपास जंगलों से कुछ मिलता नहीं है बेचने लायक, जैसे आपके कुछ गुजर हो जाए ऐसा कुछ नहीं मिलता? सिर्फ मजदूरी करते हो ना? मजदूरी करते हैं। अच्छा मजदूरी से जो मिलता है उससे आप पेट भरते हो? अच्छा कभी कहते मजदूरी करते हैं, किलो भी लावन खाते हैं, 10 किलो भी लावन खाओ। अच्छा आपके कितने बच्चे हैं? ये दो है ना? अच्छा तो आपके हस्बैंड वगैरह वो गए हुए हैं बाहर मजदूरी पे? अच्छा इस गांव में स्कूल क्या कितने तक बनी हुई है? स्कूल है 10वीं 12वीं कहाँ तक बनी हुई है? 10वीं तक है, लेकिन इस गांव के कोई भी बच्चे नहीं पढ़ते? नहीं, ये तो बड़े-बड़े बच्चे हैं जो पढ़ते हैं।
दोस्तों अब मैं जिस घर में खड़ा हूँ उसके जस्ट सामने का जो व्यू है वो आप देखोगे कि इस प्रकार से पहाड़ों का व्यू आपको मिलेगा, और नीचे आप देख सकते हैं कि एक तो छोटा सा तालाब है और ये नदी का प्रवाह क्षेत्र है। यहाँ से जो मतलब छोटी मोटी नदी तो क्या कह सकते हैं, जो पहाड़ों से पानी आता है वो धारा बहता है यहाँ से, तो ये पूरा ऐसे धारा बहता है ना, तो ये बरसात के दिनों में ऐसे चलता रहता है। और फिलहाल ये सीन है यहाँ पे और मैं फिलहाल इस घर में खड़ा हूँ। तो दोस्तों भील आदिवासियों का ये गांव आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अब मैं यहाँ से पहाड़ियों में से नीचे उतर के वहाँ वापस बाहर निकलने की कोशिश करता हूँ। आप ये देख सकते हैं नज़ारा। उम्मीद करूँगा आपको ये वीडियो बेहद ही पसंद आया होगा। इसको आप लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा, और ऐसा ही कंटेंट अपने यात्रा गुरुजी चैनल पर आता रहता है। तो अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो याद से आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिए दोस्तों, क्योंकि आपका प्यार है तो ही मेरा मोटिवेशन है। और अरे ये भगवान, अभी मेरा मोटिवेशन हो जाता, ये देखो यहाँ फिसल गया मैं। तो दोस्तों ये देखिए इस प्रकार के खतरे भी होते हैं, तो आपका मोटिवेशन जरूरी है। तो जितना ज़्यादा आप शेयर करोगे, लाइक करोगे, तो उतना ज़्यादा मेरा भी मन ज़्यादा करता है ऐसे खतरनाक इलाकों में जाने का, और ऐसे ऐसे इलाके जो हमने कभी नहीं देखे होते हैं तो उनको मैं एक्सप्लोर करता हूँ। तो ठीक है, अब ज़्यादा तो क्या बोलना, आप खुद समझदार हो, बटन दबा देना लाल कलर वाला, वो सब्सक्राइब वाला। और मिलता हूँ मैं अगले एक शानदार वीडियो के साथ में, और फिलहाल आप इस नज़ारे का एंजॉय लेते हुए इस वीडियो को ख़त्म कीजिए। और आज के इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।